जिले के बाराहाट प्रखंड के अंतर्गत सुबह से ही मतदान जारी है। पंचायत चुनाव को लेकर गांव की सरकार बनाने में जनता अपनी रुचि दिखा रहे हैं। जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, लंबी लंबी कतारों में महिला एवं पुरुष मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे। अब तक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। एमएम न्यूज अपील करती है कि बाराहाट प्रखंड के जनता निष्पक्ष होकर मतदान करें। अमरपुर थाना क्षेत्र के भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग पर ऑटो के ऊपरी परत पर गुप्तखाने में छुपा 220 बोतल शराब को जब्त किया गया। अमरपुर थाना के थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिला था कि झारखंड की ओर से आ रही एक ऑटो पर तहखाने में शराब ले जाया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर अमरपुर थाना अध्यक्ष पदस्थापित दारोगा विशाल कुमार को भेजा गया। अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर हसनपुर गांव के पास पुलिस को देख ऑटो चालक ऑटो छोड़कर फरार हो गया। चक के आधार पर ऑटो को चेकिंग किया गया तो ऑटो पर बनी तहखाने में अवैध रूप से 220 बोतल शराब को जब्त किया और थाना परिसर लाया गया। थाना अध्यक्ष की जानकारी के अनुसार कुल 220 बोतल झारखंड निर्मित 375 ml का मिला है। अमरपुर बाजार में धनतेरस के शुभ अवसर पर मार्केट में काफी भीड़ देखा गया। वहीं दूसरी तरफ बाइक की भी खरीदारी में अब की बार काफी बढ़ोतरी देखी गई। कुल अमरपुर बाजार में 239 से अधिक बाइक की बिक्री की गई। हीरो शोरूम में 70 से अधिक बिक्री की गई, जबकि होंडा शोरूम में 40 से अधिक, वहीं बजाज शोरूम में 43 से अधिक, जबकि यमहा में 9 से अधिक की बिक्री हुई। इसी नजरिए से देखा जाए तो कहीं न कहीं कोरोना महामारी की नियम पर कुछ छूट मिलने के कारण ही लोगों को पहली बार खरीदारी करने का मौका मिला है। इस कारण से बाजार में लोगों को अधिक खरीदारी करते हुए दिखा। हालांकि कोरोना महामारी के नियम का भी पालन करते कुछ लोग दिखे। कुछ दुकानदार चेहरे पर मास्क लगाकर सामान की बिक्री करते दिखा और कुछ लोग मास्क पहनकर खरीदारी करते दिखे। वहीं बाजार में भी 2 साल में पहली बार बाजार में उत्सव का माहौल देखा गया। बिहार के मुंगेर में मनी सूबे की सबसे बड़ी दीपावली। अश्विनी चौबे और ललन सिंह ने किया शुभारंभ, जलाए गए 5 लाख दिए। बिहार के मुंगेर कल्याणपुर में सूबे की सबसे बड़ी दीपावली मनाई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर 5 लाख दिए जलाए गए, 10,000 लोग बने गवाह। मुंगेर के कल्याणपुर में मंगलवार को धनतेरस पर राज्य की सबसे बड़ी दीपावली मनी 5 लाख दिए एक साथ जले। ऐसी दीपावली अभी तक नहीं मनाई गई थी। सबसे बड़ा दीपोत्सव से कल्याणपुर माँ दुर्गा का श्रृंगार किया गया। अद्भुत दीपोत्सव को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचे थे। लाखों की संख्या में दिए को जलाने के लिए कल्याणपुर के ग्रामीणों ने सक्रिय भूमिका निभाई। सबसे बड़े दीपोत्सव का शुभारंभ दिल्ली से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लाइव किया। इस मौके पर मुंगेर के विधायक प्रणब कुमार, LMC संजय प्रसाद और DIG पंकज सिन्हा भी उपस्थित थे। दीपोत्सव का लाइव प्रसारण हुआ। 5 लाख दिए में लगभग 4,000 लीटर तेल खर्च हुए, लगभग 20 क्विंटल घी भी लगे। दीपोत्सव के बाद भव्य तरीके से मां गंगा की महाआरती हुई, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। स्वदेश प्रेम। पूर्णिया का एक ऐसा गांव जहां नहीं होता चाइनीज झालरों का प्रयोग। दीपावली में जलाते हैं मिट्टी के दिए। पूर्णिया के एक ऐसे गांव में 5 सालों से चाइनीज झालरों का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहां मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। स्वदेशी की भावना से सभी ओतप्रोत हैं। चीन की ओछी नीति व देसी उत्पादों को बढ़ावा देने का ग्रामीणों ने ले रखा है संकल्प। बिहार में हज यात्रा की गाइडलाइन जारी। मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर जारी कर सकते हैं आवेदन। 31 जनवरी तक हज यात्रा 2022 का ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। बिहार राज्य कमेटी के चेयरमैन हाजी अलियास हुसैन ने बताया कि यात्रा शुरू होने के 1 महीना पूर्व वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है। बिहार के हज यात्री को कोलकाता से ही मक्का के लिए उड़ान भरना होगा। बिहार में NDA से लड़ाई, चिराग पासवान को पड़ी मांगी। अगले चुनाव में जीत की राह में कई रोड़े। चिराग का राजग के उम्मीदवारों को हराने की घोषणा भी हवा हवाई साबित हुई। चाचा भतीजे के राजनीतिक विरासत की लड़ाई के बीच यह उपचुनाव चिराग के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, लेकिन परिणाम से अस्पष्ट है कि उन्हें राजग से राजनीतिक लड़ाई लेनी भी महंगी पड़ी। पूजा की भीड़ देख बिहार के लिए 7 जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। इन शहरों की यात्रा होगी आसान। रेल प्रबंधन पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। स्पेशल ट्रेनों के फुल होने के बाद रेलवे 7 जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गाड़ी संख्या 09461 उधना दानापुर पूजा स्पेशल 8 से 15 नवम्बर को उधना से 20:35 पर प्रस्थान कर दूसरे दिन 12:30 दानापुर पहुंचेगी। कोई बेचकर मालामाल हुआ, कोई खरीद कर निहाल हुआ। रुपये की बारिश देख महंगाई भी लजा गई। कोरोना काल में त्योहारी खरीदारी ना करने की भरपाई भी हुई। मंगलवार को धनतेरस था, महंगी खरीदारी के कई रिकॉर्ड टूटे। 1.35 करोड़ रुपए की 2 BMW कारें पटना आई हैं। 14.50 लाख रुपए की 1 BMW की बाइक भी पटना आई है, यह नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा 22 लाख रुपए का एक हार भी बिका है। वाहन क्षेत्र में महंगी खरीदार का रिकॉर्ड बना है, यह BMW के नाम है।
X7 मॉडल की दो कारें पटना में डिलीवर हुई है। एक कार की कीमत 1.35 करोड़ रुपए की है। X5 मॉडल की दो कारें भी बिकी है। इस कार की कीमत 1.05 करोड़ रुपए है। बिहार उपचुनाव में एनडीए का दोनों सीटों पर कब्जा। लालू यादव भी नहीं कर पाए करिश्मा। दोनों सीटों पर जदयू की यह लगातार चौथी बार जीत है। कुसरेश्वर स्थान में जदयू के अमन भूषण हाजरी ने 12,695 मतों से राजद प्रत्याशी गणेश भारती को पराजित किया, जबकि तारापुर में जदयू के राजीव कुमार सिंह ने 3,819 मतों से राजद के अरुण कुमार शाह को हराया। पटना में डीजल से चलने वाले 75% ऑटो सीएनजी में कन्वर्ट। 423 को मिला 1,14,20,000 का अनुदान। डीजल से चलने वाले करीब 75% ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके लिए अभी तक 430 लाभुकों को 1,14,20,000 रुपए का अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। बिहार पंचायत मुखिया चुनाव। 37 जिले के 57 प्रखंडों में वोटिंग शुरू। बूथों पर लंबी हो रही कतारें। बिहार में पंचायत चुनाव के छठे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इसमें जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच व पंच के पदों के लिए मतदान हो रहा है। मतदाता बूथों पर पहुंचने लगे हैं। बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण में जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच व पंच के पदों के लिए मतदान आज राज्य के 37 जिलों के 57 प्रखंडों में शुरू हो चुका है। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों का बूथों पर आना लगातार जारी है। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। एडमिट कार्ड में संशोधन की तारीख बढ़ी। बिहार बोर्ड ने वर्ष 2023 की इंटर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दूसरी तरफ वर्ष 2022 की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड में संशोधन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। बिहार में मौसम के मिजाज में ठहराव। छठ में वर्तियों को मिल सकती है राहत। बिहार में इन दिनों में उत्तर पश्चिमी हवा का निरंतर प्रभाव जारी है। इस कारण पारे में धीरे धीरे गिरावट देखी जा रही है। इस कारण पूरे सुबह में मौसम शुष्क बना हुआ है। छठ पर सुबह का मौसम बना रहेगा शुष्क। चुनाव में मिली जीत तो जश्न में डूबे भागलपुर के जदयू और भाजपा कार्यकर्ता। बिहार के तारापुर और कुशवेश्वर स्थान में जदयू उम्मीदवार के जीत से भागलपुर के एनडीए खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। खलीफाबाग चौक पर जदयू व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी, कहा विकास की हुई जीत।